बुधवार को शिवपुर शाहबाजगंज शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें 23 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आशा एएनएम, सीएचओ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य टीम और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हर एक कर्मचारी ने दिन रात एक करके जिले में कोविड नियंत्रित करने में योगदान दिया है और इसमें सामुदायिक भागीदारी भी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इनकी सेवा कार्यों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य था। इस अवसर पर डॉक्टर नीतू मौर्य, डॉक्टर मधुरिमा, फार्मासिस्ट राकेश कुमार, विवेक कुमार, लैब टेक्नीशियन पुनीत कुमार, सुधा पटेल, सुनीता यादव सहित अन्य डॉक्टर एवं नर्स उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, विवेक आपने समझता हूँ कि मेरा कोई ऐसा पुण्य प्रार्थना के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग इसी धर्म निष्ठा और कर्म निष्ठा के साथ अपना कार्य करती रहेंगी। और गोरखपुर को हम लोग देखता हूँ कि जब उनसे मैं कहता हूँ तो कहते हैं साहब हमारे डॉक्टर साहब लोग हमें बचा लेंगे। ये विश्वास आप लोगों ने जगाया है गोरखपुर के लोगों में, ये सच में अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं आप सभी लोगों से यही रखिएगा, मरीजों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कीजिएगा। कहीं पर भी कभी भी चाहे अनचाहे कभी किसी मरीज को अपमानित कर दिएगा नहीं। सर कुछ सम्मानित किया गया है? देखिए आज शिवपुर शहबाजगंज में हम लोग गए थे सम्मानित करने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इधर करीब 2.5 वर्षों से कोविड से हम लोग जूझ रहे थे और हमारे कर्मचारी जी जान लगा के काम कर रहे थे, अपना घर द्वार सब छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके। यहाँ तक कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कोविड के समय में दो दो तीन तीन महीने तक घर ही नहीं गए। तो इन लोगों का सम्मान करना हमारा धर्म था, इनकी सेवा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य था। उसी के निर्वहन के क्रम में आज मैं शिवपुर गया था, वहाँ के सभी कर्मचारियों को मैंने सम्मानित किया और उनको जो है इसी तरह से गोरखपुर को ग्रेट गोरखपुर बनाने के लिए प्रेरित किया।